मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि शनाया इस घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही चली जाएगी। ओह उसकी मौत ने गयास अहमद तुम्हें भी बस मार दिया है। नाश्ता ठंडा हो गया, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ खाने को जी नहीं कर रहा। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बस मैं शनाया के बारे में सोचता रहता हूँ। शायद वो बातें आपको उसे से नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ शायद नहीं करनी चाहिए थी। इस गिल्ट के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है सिद्रत। उधर इस्लाम की हालत नहीं देखी जा रही। सारी सारी रात शनाया शनाया पुकारता रहता है। उसको तसल्ली दूं या आपको? मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ, किसी को क्या बताऊं? कई दफा इंसान के अपने गलत फैसले जो है ना उसको डुबो देते हैं।